यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें अपलोड करते हैं जिससे पूरी सोसाइटी पे उससे बुरा असर पड़ जाता है। बिल्कुल। तो आपने खुद भी कहा है कि कई जगहों पे हम मैरिज की बात करें, जहाँ पे आप मैरिज सेरेमनी हो वहाँ पे कोई डांस करेगा, चाहे बुजुर्ग हो या कोई बूढ़ी औरत हो, वहाँ पे गलती हो जाती है इंसान से, फिर वो उसको पब्लिकली डिलील करना, ना इस्लाम इसे इजाजत देता है ना इंसानियत इसे इजाजत देती है। तो रही बात ही कदगन की, अगर हम कहें आप ये देखिए कि सोसाइटी क्या मांग रही है, हमें भी इस चीज को आगे लाने की जरूरत है, रिएक्ट करने की जरूरत है कि अगर कोई भी बंदा कोई वीडियो अपलोड करता है उस पर रिपोर्ट फौरन करने की जरूरत है, ना कि उसको एंजॉय करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। लिहाजा हमें सोचने की जरूरत है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। आप देखिए कि अगर आप ऐसा यहाँ पे फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे चढ़ाएंगे, मतलब ब्लड की जरूरत है या किसी मतलब सड़कें आपकी खराब होती है, ऐसे कंटेंट चढ़ाओगे तो उसमें जो पब्लिक है उस रिएक्शन में ही रहता है उतना जितना रहना चाहिए, क्योंकि सड़क की डिमांड हर एक के लिए होती है, वो हम खाली जमीन के लिए या इरफान के लिए नहीं है, लेकिन बाकी जो कंटेंट होता है उसको एकदम से इतने लाइक्स और शेयर्स मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटी को भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमें कल जो नौजवान नस्ल आ रही है उनको हम क्या दे रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सलाम अलैकुम। वैसे बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि